हेलो एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ ऑडियंस, स्पेशल गुड मॉर्निंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। भाई बात ऐसा है कि भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसा क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2021 के लिए अपना स्क्वाड घोषित कर दिया, लेकिन द वर्ल्ड क्रिकेट इज वेटिंग फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड क्रिकेट टीम कब अपना स्क्वाड घोषित करेंगे ये सोच के हम हैं बहुत परेशान, क्योंकि भैया हम क्रिकेट को करते हैं बहुत ज्यादा प्यार। वर्तमान विश्व का एक बेहतरीन T20 टीम है इंग्लैंड क्रिकेट टीम, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू पिक द बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप 2021। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। नंबर वन है जॉनी बेयरस्टो, जो एक डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है और इंग्लैंड क्रिकेट के लिए कुछ वक्त से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, और वो जॉस बटलर का बैकअप विकेटकीपर बैट्समैन है। वो सलामी बल्लेबाज की तरफ पर बल्लेबाजी करते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए। तो जॉनी बेयरस्टो है नंबर वन। नंबर टू की अगर बात किया जाए तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट का बादशाह जाने जाने वाला क्रिकेटर जो है उनका नाम है जोसेन रॉय। नंबर थ्री की अगर बात किया जाए तो वहां पर होंगे डेविड मालान, जो बहुत ही वक्त से T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में नंबर वन पे है और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए कुछ वक्त से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। नंबर फोर की अगर बात किया जाए तो वहां पर होंगे कप्तान यॉन मॉर्गन। नंबर फाइव की अगर बात किया जाए, हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाला एक बल्लेबाज है जिनका नाम है लियाम लिविंगस्टन, और वो बहुत अच्छा गेंदबाजी भी कर सकते हैं। UAE का कंडीशन में उनका गेंदबाजी टीम इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। नंबर सिक्स की अगर बात किया जाए तो वहां पर होंगे जोस द बॉस बटलर, विकेटकीपर बैट्समैन। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए जोस बटलर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और अभी भी कर रहे हैं, तो जॉस का होना इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही जरूरी है, और वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का मेन विकेटकीपर बल्लेबाज रहेंगे। नंबर सेवन की अगर बात किया जाए तो वो बहुत ही टफ पल है भैया, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए सैम बिलिंग्स नाम का खिलाड़ी निकला, और बहुत खिलाड़ी को इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ट्राई करवाया, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो UAE कंडीशंस में बहुत ही अच्छा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डिपेंडेबल बल्लेबाज साबित हो सकते हैं, और वो है जो रूट। हाल फिलहाल इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच में वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर उनका आप T20 इंटरनेशनल का आंकड़ा उठाकर देखें तो भैया कहोगे वाह भाई वाह क्या बात है। एक डिपेंडेबल बैट्समैन का आंकड़ा जैसा होना चाहिए उनका आंकड़ा वैसा है। एक डिस्ट्रक्टिव T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन एक डिपेंडेबल T20 बल्लेबाज हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर पे, और मुझे लगता है जो रूट को इंग्लैंड क्रिकेट टीम पिक करने वाले हैं। नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो वहां पर होंगे इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नंबर 1 ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। भाई आपको पता है विश्व क्रिकेट में बेन स्टोक्स का नाम शुमार है, लेकिन सवाल यह कि क्या बेन स्टोक्स खेलेंगे। आपको पता है, पूरे क्रिकेट दुनिया को पता है, कुछ वक्त पहले बेन स्टोक्स ने क्रिकेट से ब्रेक लिया था, क्या वो पूरा तरह से रिकवर है। कल मैंने ESPN क्रिक इन्फो की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वहां पे ये लिखा हुआ था कि बेन स्टोक्स शायद नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर वो चाहते हैं तो खेलेंगे, अगर वो चाहते हैं नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, लेकिन स्टिल मैं उनको स्क्वाड में रख रहा हूं, और आज पता चलेगा क्या वो खेलेंगे या नहीं। अगर वो नहीं खेले तो वहां पर क्रिस वोक्स आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। नंबर 9 की अगर बात की जाए तो वहां पर होंगे इंग्लैंड क्रिकेट टीम का और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सैम कुरन, जो एक यंगस्टर है। बल्लेबाजी की बात करो या फिर गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए, या फिर आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात करो, वहां पर भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कुछ वक्त से। नंबर 10 की अगर बात किया जाए तो वहां पर होंगे इंग्लैंड क्रिकेट टीम का और एक ऑलराउंडर जिनका नाम है मोइन अली, और UAE कंडीशंस में भैया मोइन अली को बहुत ही बढ़िया रोल निभाना पड़ेगा। नंबर 11 की अगर बात किया जाए तो वहां पर होंगे बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन, जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही वक्त से अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, जो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए। नंबर 12 की अगर बात किया जाए तो वहां पर होंगे जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नंबर 1 फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर का वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना भैया इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही जरूरी है, और पिछले कुछ वक्त में वो इंजोर थे, क्या वो सही तरह से रिकवर, मुझे लगता है वो वर्ल्ड कप से पहले फुल्ली रिकवर हो जाएंगे और वो वापस आ जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। नंबर 13 की अगर बात किया जाए तो वो है मॉडर्न डे स्पीड मास्टर मार्क वुड, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का ये स्पीड मास्टर अपना जगह पक्का कर लेंगे मुझे लगता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए, स्पेशली इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। नंबर 14 की अगर बात की जाए तो वो थोड़ा टफ कल रहने वाला है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि वहां पर दो खिलाड़ी, एक है साकिब महमूद और दूसरा है डेविड विली। दोनों खिलाड़ी ने पिछले कुछ वक्त में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और मुझे लगता है टीम को साकिब महमूद की तरफ जाना चाहिए, जो एक बेहतरीन गेंदबाज है और जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए पिछले कुछ वक्त में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर नंबर 15 का बात किया जाए तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का गेम चेंजर मिस्टर आदिल रशीद होंगे स्क्वाड में। तो ये रहा आपका सामने इंग्लैंड क्रिकेट टीम का स्क्वाड। अब अगर बात किया जाए 3 स्टैंड बाई प्लेयर की, तो नंबर 1 पे होंगे टॉम कोरन, जो पिछले कुछ वक्त में इंग्लैंड क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं और इतना कुछ बुरा प्रदर्शन नहीं किया, जो एज ए स्टैंड बाई प्लेयर डिजर्व नहीं करते प्लेस। अगर नंबर 2 की बात किया जाए तो मुझे लगता है वो होंगे क्रिस वोक्स, इनकेस अगर बेन स्टोक्स नहीं खेले तो ऑलरेडी वो स्क्वाड में होंगे, और अगर स्क्वाड में ऑलरेडी बेन स्टोक्स को शामिल किया जाए तो नंबर 2 स्टैंड बाई प्लेयर की तरफ पर हम देखेंगे क्रिस वोक्स को। और नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो वहां पर इंग्लैंड चाहेगा एक स्पिनर लेना, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे लगता है वहां पर शायद मैट परिक्सन नाम का खिलाड़ी है उसके साथ जा सकते हैं। और अगर इंग्लैंड क्रिकेट चाहे कि स्पिनर को नहीं लेके एक फास्ट बॉलर को लेना चाहते तो मैंने जो ऑलरेडी कहा कि डेविड विली या फिर साकिब महमूद, अगर साकिब महमूद को पिक किया तो वो होंगे डेविड विली, और अगर डेविड विली को पिक किया तो साकिब महमूद।